हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और ये आज की वीडियो है, तो ये मोस्ट रोज प्लांट पर है। तो ये देखिए कितना बारिश पड़ रही है यहाँ पर, तो बहुत भयंकर बारिश है अभी भी। तो ये मोस्ट रोज जो है बारिश में ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और ये अपने बिल्कुल अंदर रख दीजिए जहाँ शेडी एरिया है, और ये इसी पे है। तो ये प्लांट बचाने के लिए हमें क्या करना है, और इसके लिए ये वीडियो है, आइए। और ये देखिए नॉर्मली सभी के पास होता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं अपने पहले पुराने वाले भी मोस्ट रोज दिखाने वाली हूँ। पहले मेरे पास मोस्ट रोज कितने खूबसूरत थे, और अब बारिश में उनकी क्या स्थिति हो गई है। देखिए अगर बरसात से आपके प्लांट भी, ये मोस्ट रोज जो होते, अगर इस तरह के अंदर से ये स्टेम सूखने लगे, ये देखिए जड़ से लेके ऊपर तक, तो ये बिल्कुल मोस्टली ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपसे, अभी तो ये ग्रीन है ऊपर, तो ये पार्ट्स इसको निकाल दिए अच्छे अच्छे को, नहीं तो देखो हल्के हल्के से ये सूखने लगे स्टेम इनके, क्योंकि नीचे से इनको कोई इनको खुराक नहीं मिली, तो ये सूखने लगे नीचे से सूख गए, तो ये ऊपर धीरे धीरे ये इस तरह सूखते चले जाते हैं। ये देखो एक स्टेम इसकी सूख गई है, तो ये जो ग्रीन है इसको बचा लीजिए। तो ये हम वहाँ से जहाँ से अच्छा है, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ये अच्छी अच्छी ब्रांच जो है इसकी, तो ये चल जाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल पूरा सूखते चले जाएंगे। तो मैं इसको कट करने वाली हूँ जो अच्छी अच्छी है यहाँ से, ये देखो। और फिर मैं दूसरी इसमें मिट्टी में लगा लूँगी इनको। ये गार्डन सोयल है मेरी, तो ये देखिए किचन वेस्ट डिब्बे हैं मेरे पास, तो मैं इनमें तीनों में लगा लूँगी इनको, तो ये मेरे फिर ये बच जाएंगे। इनका अच्छा सा पार्ट हम इनको निकाल लेंगे, और जो ये खराब है सूखा हुआ बिल्कुल, इसको हटा देंगे। ये देखिए इनका ये बिल्कुल ये पूरा सूख गया है, यहाँ से देखिए इतना सूख गया, इसको मैं निकाल दूंगी। तो ये मैं अच्छा अच्छा पार्ट्स इसका ले लूँगी, ये पर्स इसका मोस्ट रोज का। और ये देखिए ये मैंने लगा दिया, और इसमें मैंने होल किया है डिब्बे में, तो और ये देखिए ये बच गया है ये सूखा सूखा, तो इसको मैं निकाल दूँगी, इसमें कोई और निकाल। देखो बिल्कुल जड़ से ये सूख गया, तो इसने बिल्कुल पानी लेना खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था पानी की वजह से। तो ये देखिए ये बारिश लगातार पड़ रही थी, मोस्ट रोज पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता और ये पर्सनल पे कम फर्क पड़ा। देखो इसमें तो थोड़ा सा गीला भी है, सोगी है इसकी स्मेल, ये तब भी चल रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको ज़्यादा फर्क पड़ता है जो हमारे ये होते हैं मोस्ट रोज, तो इसीलिए इनको इनका ध्यान दें, नहीं तो इस तरह ये सूखी सूखी हो जाती हैं और ये गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए जैसे इसमें गिरी पड़ी है, तो अगर हम समय रहते हुए इनको कट करके लगा दें तो ये बच जाएगी, तो ये अगले साल के लिए सेव हो जाएंगे हमारी, नहीं तो ये सब खराब हो जाती। और बस अब मैं इसको और मैं इसे छाया में रख दूँगी एकदम अभी फ़िलहाल दो तीन दिन के लिए, फिर उसको वैसे तो मोस्ट रोज ये जो जितना धूप लगती है उतना ही अच्छा रहता है, मगर इसको मैं फ़िलहाल छाया में रखूँगी, क्योंकि अभी जैसे कटिंग लगाई है तो अभी इसको छाया में रखेंगे, और फिर इसको दो तीन दिन के बाद धूप में रख देंगे। और ये देखिए जो मोस्ट रोज मैंने उस दिन लगाए थे, तो दो दिन तीन दिन पहले, तो उसका ये अपडेट है, देखो सीधे खड़े हो गए और इसमें देखो ये चलने लगे। अगर बाई चांस मैं उससे नहीं निकालती प्लांट से, तो ये सब सूख जाते ऊपर तक ख़त्म हो जाते। तो इसमें मेरा बस ये एक नहीं चला ये वाला, तो इसको यहाँ से मैं तोड़ूँगी थोड़ा सा, तो ये लग भी नहीं रहा चलने लायक, तो इसको मैं निकाल ही दूंगी, तो बाकी ये सारे ही चल गए इसमें। तो ये देखो तो अब इसमें फूल भी आने लगेंगे, और ये देखिए इसमें बीज भी होता है, तो ये बीज इसके निकाल के इसी में बिखेर दो अगर चाहिए तो प्लांट, या इसको दूसरे उसमें भी लगा सकते हैं हम, इसके बीज बहुत बारीक होता है, देखो कितना बारीक होता है, तो मैं तो इसी में डाल दूँगी, ये आगे प्लांट और भी उग जाएंगे इससे ग्रो हो जाएंगे, ये चिपक जाते हैं हाथ में। और ये देखिए ये भी दूसरा भी एक ये वाइट कलर का, ये भी मेरा देखो ऐसे ही हो गया है, तो इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, ये सब निकाल दूँगी सूखा हुआ। और ये देखो ये डंडिया ऐसे ही स्टेम ये सूख जाती है इनकी, ये सड़ने लग जाती है पानी से,
तो ये ऊपर तक ये सब सूख जाएगी। अगर हम इसको अभी से कट करके यहाँ से निकाल दें और यहाँ से ये यहाँ से तो ये चल जाएंगे। ये तो इसको मैं यही काम करने वाली हूँ, इसको भी ऐसी करूँगी यहाँ से कट, यहाँ से तीनों को कट करके लगा दूँगी तो ये काफ़ी सारे प्लांट भी बन जाएंगे मेरे और ये बच भी जाएंगे। और देखो इसका भी मैंने पीछे ऐसे किया था क्योंकि हमारे यहाँ बारिश इतना हो रही है कि बारिश में हमें ये काम करने पड़ रहे हैं। मोसरोज है ये, मोसरोज पे जो है ये जल्दी गल जाता है पानी से। और ये जो देसी वाले होते हैं हमारे पर्सनेल वगैरह और तो वो कम गलते हैं, और ये जो मोसरोज होते हैं ना और पोर्चुला का ये जल्दी गल जाते हैं। और ये मोसरोज तो बहुत ही जल्दी गलते हैं, छोटा प्लांट रहता है और ये नीचे नीचे फैलता है, ये गल जाता है। और जो वो ऊपर जो वैसा रहता है वो जो पर्सनेल होता है वो ऊपर को जाता है, देखो मैं दिखाता हूँ, वो ऊपर को जाता है इस तरह इस टाइम उसकी, तो इसलिए ये नहीं गलते। और ये थोड़ा सा जो है मजबूत भी होता है, हार्डी प्लांट होता है। तो इन पे तो देखो मेरे फूल भी बने हुए हैं, शाम का टाइम है तो इन पे खूब फूल आते हैं। और ये देखो पूरा बारिश में रखे हुए हैं, बस मैंने इसमें होल किए हैं, होल मेरे सभी में ही रहते हैं तो पानी तो मैं किसी में भी नहीं रुकने देती। तो ये देखिए, तो हमें बस अब यही काम करना है। अगर मोस रोज अपने बचाने तो सबसे पहले यही काम करें, इसको यहाँ से जहाँ से सूख रहा उसके ऊपर से यहाँ से कट कर लो और इसको चाहे इसी में लगा दो तो ये चल जाएगा। तो मैं इसको इसी में लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे इतने सारे ये प्लांट बच गए और ये भी बच गए, ये सारे कलर इसलिए मेरे पास हैं सभी, नहीं तो ये सारे ख़त्म हो जाते और फिर हम अगले साल फिर नए खरीदते, तो ये सीज़न पूरा चलते भी नहीं। तो जहाँ बारिश है वहाँ ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का। तो इनको जो है इसकी कटिंग करके और अभी लगा लीजिए तो ये बच जाएंगे। और देखिए इसमें से अच्छे अच्छे स्टेम में यहाँ से निकाल लूँगी और बाकी ये निकाल दूँगी, फेंक दूँगी, निकाल दिया बस। और ये निकल गया, ये देखो ये ऐसे हो जाते हैं, गल जाते हैं ये, तो इनको दोबारा लगा दूँगी बस मैं इनको सबको। इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसमें ये देखो कुछ भी पानी वानी नहीं पकड़ रहा और इसकी ये बिल्कुल बेकार हो गई है। और इसको अच्छे से इसको खोद के किसी चीज़ से, तो इसको इस तरह से ये ग्रीन ग्रीन जो इसमें काई है ये निकाल देंगे। और फिर इसको जो है थोड़ा सा मिट्टी अच्छी करके इसकी इसको निकाल के और ये इसको खोद के और तब अच्छे से इसको लगा देंगे। और देखिए मैंने इसमें भी ये लगा दिए, गली सड़ी सब निकाल दिए और इसमें ये लगा दिए इसमें देखो, और ये भी इसी तरह हो जाएगी, स्टैंड हो जाएगी, फिर बाद में अच्छे से चल जाएगी। और इसको पानी बिल्कुल नहीं दोगे क्योंकि ये इसमें नमी काफ़ी है। अगर आप सूखी मिट्टी में लगाओगे तो हल्का सा छींटा ही देना है क्योंकि बरसात का, अगर आपके यहाँ बरसात है तो ये तभी चलेंगे, नहीं तो मोस्ट रोज क्या होता है पानी से ये बहुत जल्दी गल जाता है। और देखिए यहाँ भी ये बास्केट में थी, यहाँ भी देखिए ये मैंने दोबारा लगाई है, ये देखो तो इसमें भी चल गई है, तो इसकी भी कोई कोई जैसी ये गल गई है तो इसको हम निकाल देंगे नहीं तो फंगस पकड़ जाएगी। ये मैं निकाल दूँगी जो भी है इसमें गली, बाकी ये देखो अगर हाँ ठीक है तो ऊपर से जैसे नीचे से हटा दो, गली हुई है तो पूरी गली हुई है और थोड़ी सी गली है तो उसको हटा दो। ये भी देखो गली हुई तो इसको भी निकाल दिया मैंने, तो इस तरह ये हमने बचा लिए, नहीं तो मेरे तो सारे कलर ख़त्म हो गए थे। मोस्ट रोज मेरे पास बहुत सारे थे, सारे कलर थे लगभग, तो मैंने इसी तरह सभी को बचा लिया है। और देखिए बस ये वाला जो रानी कलर का है बस मेरे इसी पे ही इसी मोसरोज पे फूल आ रहे हैं। और बाकी ये भी देखो ऐसी ये बिल्कुल भी मैंने बारिश में नहीं रखा, मगर हाँ धूप निकलती है तो यहाँ थोड़ा बहुत धूप जरूर आती है तो इसीलिए ये बचा हुआ है। और कुछ इधर भी मैंने ये बारिश में नहीं रखा, इस पर थोड़ा बहुत छींटा आ जाता, मगर ये मैंने कटिंग से लगाया है, ये देखिए ये भी कटिंग से ही मैंने बचा लिया, वो भी ख़राब हो चुका, खराब हो चुका था तो बचा तो लिया मैंने, मगर ये कटिंग से पहले लगा लिया था तो इसलिए ये भी बता। अगर मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर न्यू हो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।